हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू माई इंग्लिश क्लास होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेसेस सो स्टूडेंट्स टूडे एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सिंपल पास टेंस ओके चैप्टर नंबर सेवन ऑफ योर बुक सो लेट्स डिस्कस इट्स यूज फर्स्टली कहाँ पे इसका यूज होता है फॉर एक्शंस कम्प्लीटेड इन द रीसेंट पास्ट उन एक्शंस के लिए जो रीसेंट पास्ट में कम्प्लीट हुई हूँ ओके फॉर एग्जाम्पल आई केम एक माई चाइल्ड हुड फ्रेंड यर्स्टरडे कल ही मैं अपने एक बचपन के दोस्त से मिला चाइल्ड हुड फ्रेंड से ओके सो यर्स्टरडे इज द रीसेंट पास्ट ओके नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब अ हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट पास्ट में जो चीज़ हमारी हैबिट रही हो जिस चीज़ का हमने रिपीटेडली यूज किया हो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं अमेरिका ऑलवेज अपोज इंडिया एट द यू एन ओ अमेरिका ने हमेशा इंडिया का विरोध किया है यू एन ओ में ओके नेक्स्ट इज फॉर एक्सप्रेसिंग सम एक्शन दैट प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट उन एक्शंस के लिए जो पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट हुए हो ओके किसी पर्टिकुलर टाइम पे हुए हो वो ओके कंप्लीट नहीं किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो एक्शन किए गए हों India fought her first battle of independence in 1857. India ने अपनी आज़ादी की जो first battle थी वो कब लड़ी थी in 1857. Okay. Now next is the main word that is used to. Okay. Used to word हम तब use करते हैं जब हमने अपनी past की habit को show करना हो Okay. For example, she used to collect. stamps उसकी क्या है थी वो क्या कलेक्ट करती थी स्टैम्प्स ओके सो लेट्स डिस्कस द रूल्स फर्स्ट वन इज एजर्टिव फॉर एजर्टिव वी हैव टू यूज सब्जेक्ट विद वर्ब्स सेकेंड फॉर्म इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है ऑलवेज ओके इन सिंपल पास टेंस फॉर एग्जाम्पल सना लाइक मिस्ट्री स्टोरीज सना लाइक मिस्ट्री स्टोरीज ओके सना हेयर इज सब्जेक्ट लाइक, सेकेंड फॉर्म ऑफ लाइक मिस्ट्री स्टोरीज ऑब्जेक्ट ओके सो इसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे नेक्स्ट इज नेगेटिव इन नेगेटिव वी विल एड डिट सब्जेक्ट के साथ क्या ऐड होगा डिट प्लस नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म Keep this thing in mind that in simple sentences we use verb second form of verb and in negative we use did with verbs first form. Okay, so this sentence will be sana did not first form of like. Okay, first form of like this like, like mystery stories. Okay.

Like mystery stories question mark at the end okay so a next sentence is past continuous okay past continuous past continuous kaun sa tense hota hai jo hum progressive action को show करने के लिए continuous action को show करने के लिए use करते हैं okay continuous word हमें ये show करता है so its past means past में जो चीज की कंटीन्यूटी रही होगी उसके बारे में हमने इसमें बात करनी है ओके कंटीन्यूस इज देयर सो वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी विल बी देयर ओके इट्स पास्ट सो वॉज वर विल बी देयर लेट्स डिस्कस इट्स यूज फर्स्टली टू शो एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट सम मोमेंट इन द पास्ट पास्ट में जो चीज जो कोई भी एक्शन प्रोग्रेस में रहा होगा उसको शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन वर हैविंग लंच जो बच्चे थे वो खाना खा रहे थे लंच कर रहे थे ओके द चिल्ड्रन वर हैविंग लंच ओके नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब अ कंटिन्यूइंग एक्शन इन द पास्ट एज अदर रिलेटेड एक्शन इज कम्प्लीट वो एक्शन को शो करने के लिए मीन्स कंटिन्यूटी उस एक्शन की बताने के लिए जब हम दो चीज़ों को रिलेट कर देते हैं जिनमें से जो एक एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका होता है ओके okay? जब हम उसको रिलेट करके बताते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल वर स्लीपिंग वैन वो सो रहे थे कब वैन थीफ एंटर द बेडरूम कब वो सो रहे थे जब थीफ ने एंटर किया बेडरूम को ओके क्लियर जब एक एक एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका हो और दूसरे की कंटिन्यूटी पास्ट में बतानी हो हमने देन नेक्स्ट इज द रूल इसमें हम क्या यूज करते हैं सब्जेक्ट वॉजवर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट ओके वॉजवर एंड वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी लेट्स डिस्कस द यूज ऑफ वर्ज वर इन इट ये किसके साथ यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ओके फॉर एग्जाम्पल ही शी इट और आई ओके देन इज वर प्लूरल के साथ यूज होता है फॉर एग्जाम्पल okay? okay? कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ ये यूज होता है दे वी यू दीज आर द प्लूरल सब्जेक्ट्स ओके फॉर एग्जाम्पल आई वॉज रेस्टिंग द होल डे आई वॉज रेस्टिंग द होल डे आई के साथ हमने क्या यूज किया वॉज मैं पूरा दिन रेस्ट कर रहा था ओके वर डे वर रेस्टिंग द होल डे ओके सो नेक्स्ट इज द नेगेटिव to make this assertive sentence negative we will add not after was were this is the helping verb so we will add not after it subject plus was were plus not verbs first form plus ing and object for example the boys were not attending their class jo boys hain, wo class attend nahi clear next is interrogative in interrogative most probably the helping verb will come first okay was verb plus subject plus verbs first form plus ing plus object and question mark at the end was the doctor feeling his pulse kya doctor uski pulse ko feel kar tha okay clear so past continuous we use to show the continuity in past and simple past we use to show the recent action that took place in past and habitual actions and the actions that took place at particular time in the past okay i hope it is clear to you all thank you students